जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं दा गुरु, आपका हमारे चैनल दा गुरु बीलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आपके लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक आए हैं जिसका नाम है WWF। और दूसरा जो टॉपिक मैं आपको इसमें बताऊंगा वो है प्लॉगिंग। ये बहुत ही प्रचलित शब्द है प्लॉगिंग, लेकिन ये अभी हमारे सामने सही से नहीं आया है। और WWF के बारे में आपको बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके कार्य क्या हैं। WWF के बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इसके जो मुख्य कार्य हैं वो बताएंगे, और इसमें आपको रेड डाटा बुक के बारे में भी बाद में बताऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। WWF इसकी PDF पाने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया होगा, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि WWF है उसकी फुल फॉर्म क्या है। उसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, पर्यावरण के लिए विश्व वन जीव कोष। ठीक, ये इसका हिंदी में नाम है विश्व पर्यावरण के लिए विश्व वन जीव कोष। अब क्या देखते हैं हम इसके बारे में, दोबारा हमें पता होना चाहिए दूसरे नंबर पे कि इसका जो सिंबल है वो क्या है। इसका सिंबल जो है वो है पांडा। पांडा एक जानवर होता है जिस पे चीन का अधिकार होता है। पांडा पे चीन का अधिकार होता है। यदि आप विश्व में कहीं पे भी पांडा देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पे चीन का अधिकार है। अगर किसी दूसरे आप किसी देश में देखते हैं पांडा तो हम ये कहेंगे कि चीन ने इसको रेंट पे दिया गया है और वह इसको पाल रहा है, यह है इसका कार। ठीक, यानी अपने मनोरंजन के लिए या अपने किसी भी कार्य के लिए अगर रख रहा है कोई भी व्यक्ति पांडा को किसी भी देश में, तो यह चीन को रुपए देगा अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है तो। यानी विश्व में कहीं पे भी आपको चीन पांडा दिख जाए तो उस पे चीन का अधिकार होता है। ठीक, अब देखते हैं हम इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना के बारे में आपको बताते हैं, अप्रैल 1961 में WWF की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लेंड स्विट्ज़रलैंड में है। यानी दोबारा आपको बता दें, इसका जो मुख्यालय है ग्लेंड स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और क्या इसके बारे में बताया जा रहा है, यह संगठन पर्यावरण के संरक्षण, शोध और रख रखाव के लिए काम करता है। जो WWF है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, शोध के लिए यह कार्य करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अनुभवी स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण संगठन है। सबसे बड़ा जो संगठन है वो WWF ही है। सबसे बड़ा और अनुभवी स्वतंत्र पर्यावरण संगठन कौन सा है? WWF। हमें याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन और अनुभवी स्वतंत्र जो संगठन है वो WWF ही है। अब हमें सब ये जानने के बाद हमें पता होना चाहिए कि इसका कार्य क्या है। इसके जो कार्य हैं, जैव विविधता की दृष्टि से 3 व्यायामों के संरक्षण पर केंद्रित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैव विविधता की दृष्टि से यह 3 प्रमुख कार्य करता है। पहला जो कार्य है वनों का संरक्षण करना, दूसरा है फ्रेश वाटर और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और बता दूं, पारिस्थितिकी के जनक हैं जो पारिस्थितिकी के जनक हैं वो है अर्नेस्ट हैकल। ठीक, जो पारिस्थितिकी के जनक हैं वो है अर्नेस्ट हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं एजी टॉन्सले। कौन है? एजी टॉन्सले। ठीक,
और इसका जो तीसरा संगठन अभी हम आपको बता रहे थे, यानी तीसरा जो प्रमुख कार्य है WWF का, वो है महासागर एवं तट का संरक्षण करना। ठीक, तो हमने जान लिया इसके जो तीन प्रमुख कार्य हैं जैव विविधता की दृष्टि से, वनों का संरक्षण करना, फ्रेश वाटर और इकोसिस्टम के संरक्षण करना, महासागर एवं तट का संरक्षण करना। यानी इकोसिस्टम के बारे में बता दिया, पारिस्थितिकी के जनक जो हैं वो अर्नेस्ट हैकल हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक जो हैं वो एजी टॉन्सले हैं। अब इसके अन्य कार्य भी हैं वो देखते हैं हम। अन्य कार्य में है विलुप्त प्राय प्रजातियों, जो विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना, यह किसका कार्य है? WWF का। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बारे में बता देता हूँ, रेड डाटा बुक। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ होती हैं, कौन? संकटग्रस्त जो भी जानवर पशु पक्षी होंगे उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। और आपको एक और बात बता दें, वो आपको नहीं शायद पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेड डाटा बुक में तीन प्रकार के पेज होते हैं, एक होते हैं रेड, एक होता है पिंक और एक होते हैं गुलाबी। आपको बता दूँ, रेड डाटा बुक में जो रेड पेज होंगे उसमें संकटग्रस्त होंगे, जो पूरी तरीके से संकटग्रस्त, यानी संकटग्रस्त हमारा यहाँ पे यह तात्पर्य है, हमारे कुछ भाइयों बहनों को नहीं पता होगा लेकिन फिर भी बता दूँ, यानी उनकी संख्या दिन ब दिन बहुत कम हो गई है और यह विलुप्त की ओर, विलुप्त होने की कगार पे हैं, यह रेड डाटा बुक या संकटग्रस्त कहे जाते हैं। दूसरे आते हैं इसमें पिंक पेज में ये होता है, जो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, उनका थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, हल्का सुधार हुआ है, उनको पिंक पेज में रख लिया जाता है। फिर आते हैं ग्रीन पेज में क्या होता है, जो बिल्कुल सही हो चुके हैं, जैसे संकटग्रस्त प्रणाली में मान लीजिए अभी चीता चल रहा है या शेर चल रहे हैं अपने इंडिया में, तो उनका हल्का हल्का सुधार होने लगेगा, सुधार हो रहा है, अभी जल्दी में खबर आई थी 29% करीब बढ़ गए हैं, ये 3-4 दिन पहले की बात है, गुजरात में मोदी जी ने ये ट्वीट भी किया था, आप अवश्य देखें। तो जो उनका सुधार होने लगता है धीरे धीरे, तो उनको पिंक पेज में रख लिया जाता है, और जब ये बिल्कुल सही तरीके से इनका सुधार हो जाता है, यानी तो फिर इनको सही तरीके से सुधार हो जाता है बिल्कुल, यानी इंक्रीज हो जाती है इनके जो संख्या में, तो ये ग्रीन पेजों में रख लिया जाता है। ठीक, मुझे आशा है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके इसमें कुछ जाता नहीं है, है ना, बस ये है कि थोड़ा मोटिवेट हमें मिल जाता है और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा। WWF जो है लिविंग प्लैनेट सूचकांक, यानी लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एवं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो जारी करता है वो WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यह जारी करता है। और आपको बता दें, जो WWF है उसकी भारत में स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, नई दिल्ली में। और 1869 में, मैं आपको बार बार याद करने के लिए बता देता हूँ, और जो मुझे याद आते रहते हैं, गांधी जी का जन्म हुआ था, और जो मृत्यु हुई थी 1948 में हुई थी इनकी मृत्यु, 1942 में इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का। गांधी जी ने जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1848 में, और जो इन्होंने नारा एक दिया था करो या मरो का, वो 1942 में दिया था। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी,
और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। 1931 में द्वितीय हुआ था और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। WWF का जो इंडिया में, हमारे भारत में, एक और आपको बात बता दें, इंडिया का नाम अब भारत होने की लिए प्रयास किया जा रहा है कि चारों तरफ जो संविधान है उसमें भारत शब्द का प्रयोग किया जाए। इंडिया इज अ माई नेशन, इंडिया इज अ नहीं होगा, भारत के नाम से हमारा देश जाना जाने लगे। इसके बारे में अभी आधिकारिक रूप से वार्ता चल रही है। तो WWF जो इंडिया भारत है उसकी स्थापना 27 नवंबर 1969 में हुई थी नई दिल्ली में। और विश्व में कब हुई थी आपको आगे बताया था, 1961 में। ठीक, इसके क्या कार्य हैं अपने भारत में और अन्य जगह भी, और अन्य कार्य हैं, देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को कम करने, मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना, यह इसका प्रमुख कार्य है। क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण, जो यानी प्रकृति का क्षरण हो रहा है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना मानव और प्रकृति के बीच में। गांधी जी का एक और स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वो भी बता दूं। गांधी जी ने कहा था, यदि हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हम स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। यह गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, यदि हम प्रकृति को नष्ट करते हैं तो हम स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं जो ये महामारी चली है कोविड-19, उसके बारे में भी इसी के आधार पर कहा जा सकता है। कोविड-19 को, कोरोना वायरस के बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, आप अवश्य उसको देखें। उसके बहुत ही भ्रांतियाँ लोगों को हैं कि धूप आने पे या फिर ऐसा होने पे जो कोरोना वायरस है वो समाप्त हो जाएगा, या अन्य देश में इसकी वैक्सीन बन गई है, ठंडी में जल्दी पनपता है, गर्मी में नहीं पनपता है कोरोना वायरस, और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। और इसकी मतलब कितने तरीके का होता है कोरोना वायरस, क्या क्या इसकी अपना रोकथाम हो सकता है, क्या क्या करें क्या क्या नहीं, सब इसके बारे में, एनकोप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। करीब 20 मिनट की ये वीडियो है, आप उसको अवश्य देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपको बहुत ही जो सीमित अच्छी जानकारियाँ हैं केवल वही हमारे इस चैनल पर दी जाती हैं। अब आगे देखिए, 1987 में इसका नाम वर्ल्ड लाइफ फंड से बदलकर वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कर दिया गया। यानी 1987 से पहले इसका नाम वर्ल्ड लाइफ फंड था। क्या था? वर्ल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्य जीव कोष। ठीक, इसका नाम बदल के, यानी 1987 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया इसका वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और इंडिया में हुआ है तो इंडिया में इसका नाम इंडिया आगे डैश लगा के कर दिया गया। यानी इंडिया में कब हुआ इसका नाम चेंज, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया, यह हुआ 1987 में। इसके जो हाल में प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, वो उनका नाम है पवन सुखदेव। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो दूसरा हमारा टॉपिक है ब्लॉगिंग, उसके बारे में आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। ब्लॉगिंग क्या है? जो ब्लॉगिंग है इसको डिफाइन कर सकते हैं जॉगिंग विद द पिकिंग लिटर। इसके बारे में क्या है? जब सुबह सुबह शेयर करते हुए प्लास्टिक, कूड़ा, करकट आदि को उठाना ब्लॉगिंग कहलाता है। यानी जो व्यक्ति सुबह सुबह जाते हैं और शेयर करते हैं, यानी सुबह सुबह वो अगर सैर करते हुए प्लास्टिक, कूड़ा, करकट आदि उठा रहे हैं तो उसको प्लॉगिंग शब्द दिया गया है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं
श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी, उन्होंने एक जो शब्द है उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया था। आपने देखा था जब इन्होंने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की पहल की थी, तब इन्होंने एक नदी या सागर कहीं पे भी टहल रहे थे किनारे, तो वहाँ पे जो कूड़ा करकट बीच पीछे पड़ा हुआ था तो उन्होंने ये उठाना चालू किया था, तो उसको यह शब्द सामने आया था प्लॉगिंग। ठीक, तो प्लॉगिंग क्या आया है? प्लॉगिंग का मतलब है जॉगिंग विद द पिकल लिटर, है ना। सुबह सुबह सैर करते समय प्लास्टिक कूड़ा करकट आदि उठाना प्लॉगिंग कहलाता है। भारत में यह अभियान अभिमन्यु चक्रवर्ती ने चलाया था, जो ये सबसे पहले अभिमन्यु चक्रवर्ती हैं एक व्यक्ति, उनके द्वारा ये चलाया गया था। लेकिन मोदी जी ने जब ये पहल की थी तब ये थोड़ा ज़्यादा विस्तृत रूप में सबके सामने आ गया था, लेकिन जो इसका अभियान प्रारंभ हुआ था अभिमन्यु चक्रवर्ती द्वारा प्लॉगिंग शब्द या ये कार्य करना चालू हुआ था। तथा सर्वप्रथम विश्व में इसकी शुरुआत 2016 में स्वीडन में चलाया गया था। भारत में कब चलाया गया था? ये अभिमन्यु चक्रवर्ती के द्वारा चलाया गया था, अभिमन्यु चक्रवर्ती के द्वारा, लेकिन इसका सर्वप्रथम विश्व में इसका शुरुआत 2016 में स्वीडन देश से प्रारंभ हुआ था। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल सकें। और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताई जाती हैं, जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो आपको बताए जाते हैं। और जो आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ में जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं? पेड़ की हरी पत्तियां क्लोरोफिल के कारण होती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक, और आपको बता दें जो इसमें छिद्र होते हैं पररंध्र बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उसको स्टोमेटा बोलते हैं। जो पत्तियां आपने देखी होंगी उन पत्तियों में छोटे छोटे आपने छेद देखे होंगे, वो पररंध्र इंग्लिश में स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक, तो चलिए ये तो हमने जान लिया कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग होना क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन पीली पत्तियां किसके कारण होती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में, यानी पत्तियां का पीला होना होने पत्तियों का पीला होने का कारण। ठीक है, आप ये बता दीजिए पत्तियों के पीले होने का कारण क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए आज के लिए बस ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और आपको PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।